और फिर आप लोग देख सकते हैं पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है यहाँ पे। ये देखो आप लोग देख सकते हैं वो रास्ता उधर से भी हम लोग आया है और ये अभी पहाड़ करके पूरा ये रास्ता बना है। तो ये रास्ता गिर गया। घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स आज हम लोग को जाना है दौड़ना फोर्ट। तो बाइक ये रहा, अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। और ये रहा यस, ये रहा उत्सव, और ये रहा पांडे। तो ये हम लोग का है पहला ट्रिप, मतलब कि पहला 80 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से 80 किलोमीटर है और ये लेवल 1 का हेलमेट दिखा दो भाई। तो अभी हम लोग को जाना है यहाँ से 80 किलोमीटर। तो आई थिंक यहाँ से हम लोग को 3 आवर लगेगा जाने में। और अभी हम लोग कार्टेज में है, सभी लोग बॉन्ग बाइक से। और ये हम लोग ये स्कूटी बुक की है, ये रहा स्कूटी। तो आप लोग स्कूटी का कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं। स्केच दिखेगा स्कूटी पे, देखिए टाका भी है गाइस। तो स्केच है स्कूटी। अगर हम लोग स्कूटी बाई चांस गिर वगैरह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्केच है देने जाएंगे तो देखेगा भी नहीं। तो ये रहा स्कूटी, अपना नंबर ये रहा 0745। तो कल ही स्कूटी रात को ले आए थे और रात के 9 बजे तक रेंट पे है। तो दोनों निकलते हैं यहाँ से। तो 80 किलोमीटर का सफर बहुत सुहाना रहेगा, आपको दिखाते ब्लॉग में, आपको कहीं नहीं जाइएगा। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। ऐसा हुआ कि मतलब कि हम लोग घर से निकले थे और उसके बाद हम लोग का पेट्रोल खत्म हो गया। कल रात को बस हम लोग गए थे वहाँ पर से शॉपर से जाके स्कूटी लेके आ गए थे, शायद उसमें पेट्रोल नहीं था मे भी। तो अभी हम लोग जा रहे टोई करके पेट्रोल पंप। आपको पता है ये कौन सा चश्मा है भाई? अरे क्रिकेट वाला। पहले दिख जाता है क्या पीछे? पहले दिख जाता है क्या? ना। तो बस पहले ही हम लोग का ये हालत हो गया तो टोई करके जा रहे हैं। तो बस पेट्रोल पंप ही आगे बस डीमार्ट के बगल में। तो बस हम लोग गुवाहाटी चौक पहुँच गया, पैदल ही जा रहे हैं फिलहाल। तो लोग पेट्रोल फिलअप करवा के फिर हम लोग के पास आता है तो आपको हम ब्लॉग दिखाते हैं। फिर पेट्रोल फिलअप हो गया है। चलो भाइयों पेट्रोल फिलअप हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से वारा का आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा है 4 किलोमीटर, 17-102 किलोमीटर। तो हम लोग को यही रूट से जाना है। तो रूट आपको बताते हैं हम, फॉलो करेंगे तुम लोग। सब लोग आ गए NH 65 के जो कि 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर के बाद हम लोग को राइट टर्न लेना होगा। तो ये रहा NH 65। यहाँ से हम लोग बेंगलोर, मुंबई वगैरह सब कुछ जहाँ जाना होगा यही रोड से भी हम लोग जाते हैं। ये रोड जाके आगे चेंज होता है मुंबई में और बेंगलोर में। तो बस निकल गए यहाँ से, बस यहाँ से सीधा 15 किलोमीटर जाना और कहीं नहीं। तो हम लोग आराम से चलते हैं, भगवान ना करे स्कूटी में कोई दिक्कत है। पेट्रोल वगैरह भी फिलअप हो गया, 300 का फिलअप करवाया है। 60 किलोमीटर का ऐसे हम लेके चले हैं तो सही भी है उतना। देख सकते स्पीडोमीटर तो खराब है और यहाँ पे 300 का फिलअप करवाने के बाद भी मीटर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ई पे ही है, मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है भाई बॉम बाइक पे और ये बाइक ऑर्डर करने से। फिर स्वाइड अवे हम लोग 10 किलोमीटर कवर कर लिया, यहाँ से 40 किलोमीटर बचा हुआ है, स्टार्ट हो गया है। तो बस पहाड़ बस सामने आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वो देखिए और फिर यहाँ से 15 किलोमीटर है सियागर फोर्ट। तो यही रूट हम लोग पकड़ रहे हैं, यही रूट से हम लोग सियागर और तोरना जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं बाय द रोड। ये पूरा रोड है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो रोड काफ़ी बनी है, अभी सुबह में ट्रैफिक भी नहीं मिला है, संडे का दिन है, वीकेंड चल रहा है। तो सुबह में हम लोग सोचे थे सुबह में 6 बजे निकलने का, लेकिन बाय द वे हम लोग का 7:30 हो गया क्योंकि उससे बाइक स्विच ऑफ कर लिए थे फोर्ट। उसको ऐसा लगा था कि हम लोग उठ नहीं पाएंगे सो करके। ऐसे तो रात को 4 बजे सोए थे भाई, अब 7 बजे उठ गए थे भाई और क्या। ब्लॉगर लाइफ आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि गाड़ी चलाओ और एक हाथ से गाड़ी चलाओ एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, बस वही। और अभी सब पीछे चल रहा है, हम स्पीड में निकल के आगे आ गए हैं। ये देखिए मंदिर, टाइमलेस भी बनाते हैं और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मतलब कि सुबह का हवा खाने के बाद ऐसा हमको भी लग रहा है कि सुबह में नहीं सोना चाहिए, सुबह में जाग जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में सोते हैं या दिन को उठते हैं 2 बजे,
तो रूटीन अभी हम लोग को चेंज करना हुआ लगता है, ये ठंडा ठंडा हवा खाने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। और जस्ट अभी हम लोग का यूटी वगैरह खत्म हुआ है, तो हम लोग प्लान बनाए थे कोरोना वगैरह जाने का, तो अभी हम लोग सीकर वगैरह भी आएंगे और ये खड़क वासला डैम बगल में है। और ये रखरख वासला डैम आप चेकआउट कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। एक दिन ऐसे करना भाई, कपल के साथ आना रखरख वासला डैम में। क्या यहाँ हम लोग बैठ भी सकते हैं कपल के साथ आना रखरख वासला डैम में। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ये सनराइज देखते हुए क्या मनमोहक व्यू मिल रहा है, ये देखिए पानी कितना साफ। ये सीगर फोर्ट है, तो एक दिन सीगर फोर्ट भी आना है। लेकिन सीगर फोर्ट आएंगे तो अभी हम लोग कब आएंगे, मानसून में आएंगे। जब मानसून में आएंगे तो वाटरफॉल वगैरह मिलेगा, काफी मजा आएगा। और अभी हम लोग बेसिकली प्लान है तोड़ना का, लेकिन अभी उत्सव भाई बोल रहा चलो सीगर, चलो सीगर देखने के बाद, लेकिन अभी हम मना किए, बोल रहे नहीं भाई तोड़ना चलते पहले हम लोग। और गोप्रो वगैरह भी निकाल लिए, देखिए तो गोप्रो वगैरह से भी वीडियो बन रहा है, तो आपको क्लिप मिलते रहेगा। और कैसा लग रहा है हम लोग आप लोग ब्लॉग में बताइएगा। ये पूरा रहा सीगर फोर्ट, यू कैन चेक इट आउट। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। और फिर से ये रोड आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कैसा रोड है, मतलब आई थिंक अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर से ऐसे ही जा रहे हैं घूम के पूरा, और रोड कैसा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखिए पेड़ के बीचों बीच अभी हम लोग जा रहे हैं, ऊपर पूरा पेड़ है, नीचे पूरा रोड है। अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कब से तो हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, क्या बोले भाई। और ये सफर का एंजॉय कर रही है देखिए। और अभी सनराइज भी हो चुका है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोग पहाड़ों के बीच में पूरा, तो कैसा लग रहा है यार, सबको कैसा लग रहा है बता सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है गाइस, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो सब लोग आए हैं तो, बट बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मानसून का बात अलग है भाई, अलग है। बट फिर भी अभी जो हल्की हल्की ठंड है उसमें धूप का मजा हम लोग अलग ही है, ऊपर जाके चाय वाय भी पियेंगे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग सोच रहे हैं जैसे कि तोड़ना का अलग वीडियो बनाए, और ये अभी हम लोग जो जा रहे हैं ये रास्ता का अलग वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो शायद ऐसा ही वीडियो है, तो जाने के बाद ही भी पता चलेगा कैसा वीडियो आएगा। अभी तो हम लोगों को 20 किलोमीटर बचा हुआ है, तो बस 20 किलोमीटर यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हैं मलदे घाट 32 किलोमीटर, पावे 8 किलोमीटर, वेले 15 किलोमीटर बस। और उससे भाई अच्छा अच्छा फोटो वीडियो निकालते हुए पांडे वहाँ पे। ओह माय गॉड पांडे, तुम ये क्या कर रहे हो पांडे, पांडे नहीं पांडे, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, रात में रॉकेट से रॉकेट लगा दिया पांडे, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारा मिसाइल मेरा मिसाइल टकराएगा, फिर वो वाला वीडियो आएगा, वो खेत में तो आग लगता है। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी नहीं भाई, 300 का पेट्रोल भरवाया यहाँ पर, काका अभी लाल आ गया, मतलब 40 मिनट चला है लाल आ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है या इसका ये मीटर खराब है या फिर क्या है। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे ये डिक्की ऑन करके, क्या है क्या नहीं। अरे भाई ये देखिए आप लोग ये वाला, हाँ भाई भाई ट्रिपली आए तो दिक्कत होता भाई, हम इसलिए मैं बोल रहे थे रुक जाओ नहीं ट्रिपली में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी है पहाड़ पूरा तो दिक्कत होता है, पुलिस का अगर सीन रहता है और क्या, हाँ पुलिस का सीन हल्का दिक्कत भी होता है जाने होने में, वही बैठने में दिक्कत होता है, मतलब ठीक था दोस्त लोग मैनेज नहीं करे। ये देखिए पहाड़ घाट भाई देख लीजिए आप, कितना स्लैंट है उसमें से ऐसे ही पूरा रास्ता है, पूरा सीधा चढ़ाई है भाई, डर लग रहा है स्कूटी बंद ना हो जाए भाई, 3 बार तो व्हील स्पिन किया है भाई भाई सच में डर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए भाई स्कूटी है, कुछ नहीं है भाई दूर दूर तक, हाँ कोई दुकान भी नहीं दिख रहा भाई, सोचिए पेट्रोल ले लेते यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं भाई, दुकान वगैरह तो दिख ही नहीं रहा, प्यास भी लगा हुआ है भाई, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ पे पहाड़ है जंगल जा रही है भाई, कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए भाई हम लोग के भी साथ, एक बार तो हो चुका है भाई, इतना एडवेंचरस नहीं बनाना है भाई इसको, भाई होना चाहिए भाई।
ऐसी जी चाहे जिंदगी। फिर सभी हम लोग करते पेट्रोल चेक, पेट्रोल है कि नहीं बाइक में, ये सॉरी सॉरी स्कूटी में। ब्रेक 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 है बे भाई, पूरा पेट्रोल दिख रहा है डालना अंदर। टंकी कितना बड़ा होता है? 5 लीटर काफी है। बहुत है भाई, बहुत लावला है। देख सकते हैं वो रास्ता उधर से भी हम लोग आया है, और ये अभी पहाड़ कट के ऊपर ये रास्ता बना है, तो ये रास्ता सीधा ऐसे जाएगा। गिर गया। नहीं नहीं बैठा है, बैठा है। मैं वापस नहीं आया तो ये मेरी माँ को दे देना। एक बार बोलो तो भाई, लोग भाई मत जाने दो यार, नहीं अरे मत जाओ रे भाई मत। ये सब देख लीजिए गाइस, कहाँ जा रहे, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने जा रहे, उधर देखिए। फाइनली ये लोग आ चुके हैं सही सलामत, कुछ हुआ तो नहीं भाई। तो फिर टोरना फोर्ट के 40 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, तो यहाँ पे रुके, सोचे यहाँ पे रुक करके बाजा वगैरह और फोन वगैरह चार्ज वगैरह कर लेंगे, तो जा करके कुछ खाते हैं। यहाँ पे भूख भी लगा, सुबह से कुछ खा के भी नहीं आए थे। और फिर फाइनली अपने नाश्ता वगैरह करके निकल गए, तो पोहा वगैरह खाया है, तो वहाँ पे वही अवेलेबल था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बांस का पेड़ वगैरह है, वही रास्ता पहले चढ़ लेते हैं। अरे भाई बैठो ना, तो बांस का पेड़ वगैरह पूरा बिहार का याद आ गया भाई, बिहार में भी ऐसे ही बांस का पेड़ वगैरह पूरा है। बाकी आप लोग ये रास्ता चेकआउट कर सकते हैं, कैसा रास्ता है, मतलब कि चलाने में बहुत डर लग रहा है, मतलब कि स्किड कर रहा है पूरा स्कूटी का, तो चक्का पूरा मतलब गया हुआ है, क्या ही बोले। और मीटर तो आप लोग देख ही लीजिए, पता नहीं चल रहा है 180 चल रहा है या 100 चल रहा है या 20 चल रहा है, कुछ चढ़ाव है भाई। और फिर आप लोग देख सकते हैं पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए किला सबसे ऊपर है, वहाँ पे एक झंडा दिखाई दिया अभी हम लोग को। और अभी हम लोग जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, पूरा फ्रेश एयर आ रहा है इतना धुपा होने के बाद। और अभी हम लोग बहुत दूर से आए, क्या ही बताएं, हम ऐसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कितना दूर से आ रहे, मतलब कि अभी क्या हालत है। हम लोग आपको हम यश जी के पास मोबाइल देते हैं, ये कुछ आपको वीडियो में बताने वाले है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताएंगे तो कुछ नहीं नया, बट जैसा कि हम लोग अभी थक गए हैं, हाफ गए हैं हम सब भाई, खाना वगैरह अच्छा से नहीं हुआ इस वजह से भी, और रात को नींद भी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग का भी है सिस्टम, ये रहा रोप, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग बैठ करके और रोप क्लाइंबिंग से जा सकते हैं, पूरा ऊपर का नजारा का व्यू ले सकते हैं। और अगर आप ये जुलाई के महीना में मानसून के महीना में आते तो पूरा झरना यहाँ पे।